소다 가스 아직 부담을 무시했다 통신 आपकी सिर में पर्दा हो, हमारा मुल्क अमन में हो, खुद अमन हो। औरत पर्दा करेगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, इंशाल्लाह तरक्की होंगे। अच्छा। इज्जत होना चाहिए, बड़े छोटों की कौम परस्ती नहीं होना चाहिए। बताए अंकल, मर्द अगर अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेगा, औरत की इज्जत करेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुपट्टे और तरक्की का आपस में तल्लक क्या है? ये ऐसे लोग जो अभी गए थे मुल्क है, वहाँ पर लोग कपड़े नहीं पहनते तो उनके पे अजाब आ गए। जो हिंदुस्तानी है ना, हमारे पाकिस्तान से वो कम मांगते हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान ने ज़्यादा बदनाम किया हुआ। हिंदुस्तानी भी मांगते हैं लेकिन हमारे जो पाकिस्तान है वो ज़्यादा उन्होंने बदनाम किया। क्योंकि मैं तो खुद रह के आया हूँ सऊदी अरब में 8.5 साल। अच्छा। तो मैंने अक्सर बंगालियों को ही देखा। हाँ दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत हमारे आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भिखारी पाकिस्तान की भिखारी आवाम। पाकिस्तानी भिखारी चाहे दुबई जाए, चाहे सऊदी जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया या एनी कंट्री कहीं भी जाए, जहां भी जाते हैं अपने पीएम की तरह भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, पाकिस्तान का एक भिखारी जापान में लाइव भीख मांगते पकड़ा गया। तो आइए देखते हैं इन भिखारियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है एक कॉल है कि भाई पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और मांगते हैं, क्या ये सच है? सुना तो है, कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। पहले हम देखते थे दुबई में मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के हरम में मांगते हैं, अब एक और जगह सामने नजर आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जापान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। जब वो छुपके से एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा है तो वो उस वीडियो के देखने के बाद कहता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपनी अच्छे असल वाली लैंग्वेज में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया, ऐसी क्यों हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है सर? ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये सारा हमारे हुक्मरान तबके पे जाता है, जो लोग पैसा कमाते हैं और ये पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई हैं, तो इनको ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन पे हुक्मरानों पे। तो इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे वो ये रोज़गार इनको लोगों गरीब लोगों को भी मिले और मुल्क में ही रहें, वो कारोबार अच्छा बाइज़्ज़त कारोबार कर सकें। तो ये बहुत मुल्क की बदनामी होती है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोस में तो ज़्यादा सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोस में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाए, सऊदी जाए, जापान जाए, कहीं भी जाए जाके मांग रहे हैं। सर वो क्यों नहीं इस तरह की हरकत करते? बस उनकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हुई ना। बिल्कुल ठीक है, ये 100% ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जो जाते हैं इधर बहुत लोग उधार लेकर कमेटियां डालकर बाहर जाते हैं, फिर उसके वो जब घर की तरफ वो डालते हैं, नज़र डालते हैं तो घर के ये खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर वहाँ मांगने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, यकीन जाने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान ने। इधर गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे जो ये लीडर हैं बस इनका भी खुदा ही हाफिज है। अगर हम देखें ना तो अभी एक रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है, जापान में एक आदमी लाहौर का ही है, उसका प्रॉपर बैकग्राउंड भी दिखाया गया है, लाहौर का एक बंदा जो कि जापान गया है वो प्रॉपर वहाँ मांग रहा है और पाकिस्तान का नाम लेके मांग रहा है। और उसके बाद सर वहाँ पर जब एक वीडियो बंदा बना रहा था तो उस वीडियो देखते ही वो कहते तुम क्या करो, मतलब अपनी असल जबान में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि जापान हो जाए, सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो गया, हर जगह पर सिर्फ पाकिस्तानी नजर आता है, हिंदुस्तानी क्यों नहीं नजर आता? वो इसलिए ये हमारे मुल्क में लोगों को आदत पड़ गई हुई है मांगने की, क्योंकि हम बेसिकली बकारी हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं वो भी बकारी हैं। अब देखें ना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसको क्यों लोग कहते हैं बकारी? इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉपर्टियां बनाई। हम बेसिकली मांगने वाले हैं, उनमें मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में है, क्योंकि वहाँ मेहनत नहीं करनी नहीं पड़ती, मांगने में पैसा बन जाता है, इज्जत बन जाती है। क्योंकि इधर पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी एक जरा भर की भी वैल्यू नहीं है। नेगेटिविटी में या मांगने में हमने कभी हिंदुस्तानी को क्यों नहीं देखा?
वो इसलिए नहीं देखा कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप मेहनत करेंगे, हम यानी कि जॉब अच्छी करेंगे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तोजो देंगे, तो फिर उसके बाद हमें जब रियलिटी का पता चल जाएगा कि मांगना कोई बात नहीं है, हम अपने पाँव पे खड़े होकर, अपने पाँव पे खड़े होकर मेहनत करके, अपने बाजुओं के बलबूते पे हम कमा के, अपनी औलाद को हलाल का कमा के, उसके बाद उनकी परवरिश इस तरह की करें, उनकी आते उनको ये बताएं कि बेटा ये मांगना कोई बात नहीं है, अपनी मेहनत करके कमाएं। एक दफ़ा मुझे इतना पता है, जब एक दफ़ा मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है ना, उसके बाद जो पैसे के साथ फिर पैसा कमाया जाता है, फिर मांगने कोई जरूरत नहीं है। 76 साल हो गए पाकिस्तान को, आपने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, ये तो सरजमीं है, इसको चलाने वाले पहले और थे, अब और है, अभी आने वाले पता नहीं कौन होंगे, लेकिन अगर जो हमारे चलाने वाले हैं सर, अगर उनकी बात करें तो इस जिस टाइम 47 का टाइम था, तो वहाँ पर इंडिया के अंदर बड़े बड़े मतलब जो लीडर्स थे या जो भी थे, उन्होंने ये कहा था कि ये मुल्क ज़्यादा देर तुम नहीं चला पाओगे कायद, तो कायदे आज़म ने कहा था नहीं नहीं मैं चला के दिखाऊंगा, मैं अपने अलग रियासत बना रहा हूँ, मैं इसको भरपूर बरकरार रखूँगा। सर अब क्या हुआ है, अब क्या सिनेरियोस लग? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बात यह है कि जिसने पाकिस्तान बनाया है उसको क्या मिला है, उसको भी गद्दार कह दिया है, कायदे आज़म को गद्दार कह दिया। उसके बाद हमें पाकिस्तान को चलाने वाले लोग अच्छे मिले नहीं हैं। बस ये देखें ना, अब देखें ना, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे भी यानी कि यहाँ से उठा के ले जाएं, ऐसे ही है ना, जो पाकिस्तान में जो हकीकत बात, जो सही बात बताएगा, हकीकत बोलेगा, उसका इधर रहने का कोई हक नहीं है। कोई इदारा आ जाएगा उठा के ले जाएगा, कोई देखा उसकी वीडियो देखी उसको उठा के ले जाएगा। यहाँ सच बोलने का कोई रिवाज ही नहीं है, और सच बोलना जुर्म है इधर। अब भी इस टाइम की बात करें, पाकिस्तानी ज़्यादा बाहर जाके मांगते हैं या फिर हिंदुस्तानी ज़्यादा बाहर जाके मांगते हैं, बाहर ममालिक में मेरे ख्याल से वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा उन्होंने बेड़ा कर किया ना। अभी आज एक वीडियो सामने आ रही है कि जापान में एक आदमी है, उसका बायोडाटा भी निकाला गया, लाहौर का था, वो वहाँ जाके मांग रहा है, प्रॉपर उसके स्टाइल इतना अच्छा था कि मांग रहा है। तो भाई पाकिस्तान को क्यों बदनाम करें, हिंदुस्तानी बाहर जाके क्यों नहीं बदनाम करते हिंदुस्तान को? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। मैंने तकरीबन कोई पिछले दिनों में सऊदी में लड़के भिजवाए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने यही काम किया, उन्होंने बदनाम जाके किया। सऊदी अरब में आप रहे हुए जी, वहाँ पे हिंदुस्तानी भी बिल्कुल हैं, उनका क्या तरीकाकार था, वो कैसे चलते थे अपने? जो हिंदुस्तानी है ना, हमारे पाकिस्तान से वो कम मांगते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने ज़्यादा बदनाम किया हुआ। हिंदुस्तानी भी मांगते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान है वो ज़्यादा उन्होंने बदनाम किया। सऊदी अरेबिया में कभी ये क्यों नहीं कहा गया कि ये इंडियंस आके मांग रहे हैं हमेशा पाकिस्तान को, फिर सऊदी का इंडिया का फेवर करता है, जो इंडिया के बारे में बुरा नहीं बोलता? नहीं नहीं, फेवर वो नहीं करता, लेकिन वो जो हकीकतन जो बात होती है वही बात करते हैं। कभी इंडिया के बारे में बुरा क्यों नहीं कहा? ये तो नहीं पता मुझे, बुरा कहना चाहिए, इस्लामी मुल्क है, उसका दुश्मन है, उसे बुरा कहना चाहिए, लेकिन उनकी मर्जी है ना, नहीं कहते तो क्या कर सकते हैं? नहीं, ये बताएं, इंडियंस मांगते होंगे तो बुरा कहेंगे ना, खबर क्यों नहीं आई? नहीं मांगते है ना, हम एज उनके डिस्पेरिटीज रखते हैं, इख्तलाफात रखते हैं कि वो मांगते हैं, वो हमें नहीं बोलते वो अटैक में आ गए, वो चांद में पहुंच गए, हमें नहीं बोलते, हम सिर्फ पिक्चर के एक सेट देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, इन भिखारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।